और कांग्रेस पार्टी की ग्राफ भी अभी ऊपर जा रहा है। अब वो सोच रहे हैं कि वो हार जाएंगे, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में बात कर रहे हैं। अब एक चीज है साहब, मेरे को बीजेपी के बारे में उनका एटीट्यूड के बारे में एक ही बात बताता हूँ। अमित शाह इधर आए तो अमित शाह को गाली देते हैं और नरेंद्र मोदी को प्रेस करते हैं। एंटी मुस्लिम हिंदुत्व कैंडिडेट को सपोर्ट किया उन्होंने और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन को भी बीजेपी का कैंडिडेट को सपोर्ट किया। अब तेलंगाना मुसलमान को समझने चाहिए इनका एक्चुअल कैरेक्टर क्या है। అందుకోసం వ్యక్తుల మీద మాటలు మాట్లాడే ముందు మొదలు మీ పరిస్థితి గమనించాలని చెప్పండి. అందుకే ఇంకొక విషయం, డ్రగ్స్ విషయం చెప్పారు, నేను కాదండి దానికి అదనంగా ఒక మాట. ఎన్సిబి రిపోర్ట్ ఏమిచ్చింది, తెలంగాణ అన్ని రాష్ట్రాల కంటే డ్రగ్స్ విషయంలో చాలా కింది స్థాయిలో ఉంది, పైన లేదు అనేది ఎన్సిబి రిపోర్ట్. అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉమ్మడి రాష్ట్ర పరిపాలన తర్వాత ఈ మహానుభావునికి పరిపాలన వచ్చే అధికారం వచ్చేదానికి తెలంగాణలో इश्यू आती है। चीफ मिनिस्टर साहब बहुत ही अन्याय कर रहे हैं दलितों को, गिरिजनों को और पिछड़े वर्गों को। ये लोग चीफ मिनिस्टर केसीआर को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गए। उनको कांग्रेस पार्टी से डर पैदा हुआ, पैदा होना शुरू हो गया, इसलिए उन्होंने कल कांग्रेस पार्टी के बारे में अनरिलेटेड एक्यूजेशंस और एलिगेशन कर रहे थे। हम इसको कंडम करते हैं। पंजाब गुटा एसीपी जो लेडी जो जर्नलिस्ट के ऊपर जो मैन हैंडलिंग करे उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? बहुत ही दुख की बात है कि तेलंगाना राष्ट्र में, तेलंगाना राज्य में अब पुलिसों को इतना वो प्राइवेट आर्मी के तौर से इस्तेमाल कर रहे हैं कि अभी जर्नलिस्ट पे और लेडी जर्नलिस्ट पे भी ये पुलिस अटैक कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के आदेश के अनुसार। हम इसको सीरियसली खंडन करते हैं। सर ये विक्रम गौड़ साहब का फायरिंग के केस में फिर बात करें।